तो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकालनी कहां पर ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, और सोलेनोइड की लेंथ लॉन्ग नहीं है, इट इज नॉट अ लॉन्ग सोलेनोइड, तो एक शॉर्ट सोलेनोइड है, इसकी लंबाई बस इतनी सी है, तो आपको इसके एक्सिस पे कहीं पर बी बताना है। अब क्योंकि एक लॉन्ग नहीं है, अगर ये लॉन्ग होता तो मैं आंसर देता म्यू नॉट एन आई, पर ये लॉन्ग नहीं है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने एक सोलेनोइड लिया, इस सोलेनोइड का एक्सिस लिया, ये सोलेनोइड को कैसे किया ये देखो, इमेजिन करो कि ये वायर्स ऐसे आ रही हैं, ऐसे ये सोलेनोइड है, ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो इमेजिन करो कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ये वायर गई और ये अंदर घुस गई, तो मैंने यहाँ की वायर छुपा ली, करंट आया, इमेजिन करो वायर के थ्रू अंदर चला गया, फिर पीछे से बोर्ड से फिर करंट आया और इनसाइड चला गया, फिर करंट आया बाहर इनसाइड चला गया। आप अपनी असाइनमेंट में ये डॉट 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 कर लो और इधर से क्रॉस 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 कर लो, ये शो कर रहा है करंट एंटर कर रहा है और फिर बाहर चला, यहां से बाहर आ रहा है इनसाइड चला गया, आउटसाइड आ रहा है इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, ऐसे। तो मैं इसमें वायर्स नहीं दिखा रहा, हाँ आपको इमेजिन करवा रहा हूं कि करंट कैसे आ रहा है, फिर अंदर एंटर कर रहा है, फिर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये मैंने ड्रॉ किया। अब सोलेनोइड, ये रहा मेरा सोलेनोइड, तो मेरे को क्या यूज करना है, बाइट सवर्ट लॉ। तो मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ सोलेनोइड मेरे को गिवन नहीं, रेडियस इसका आर गिवन है, तो मैंने क्या किया, यहां पर मुझे बी निकालना है, इसके एक कोने से ये एंगल क्या बना बीटा, और इसके एक कोने से इस परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल क्या बना अल्फा, जैसे हम अल्फा बीटा एक स्ट्रेट वायर के लिए किया करते थे, एक कोना अल्फा एक कोना बीटा। अब मैंने क्या किया, इस सोलेनोइड का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, तो वायर्स ही वायर्स घूम रही थी, एक पोर्शन कंसिडर किया, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, इस पोर्शन ने ये स्मॉल एंगल डी फाई बनाया, और ये जो एंगल बनाया यहां से यहां, ये कितना बनाया, फाई एंगल बनाया, बिल्कुल वैसे फील आ रहा होगा जैसे फाइनाइट वायर का रिजल्ट किया करते थे। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, इसकी लेंथ डी एक्स है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या घूम रही है, वायर्स, सर्कुलर वायर्स, ये सर्कुल मान लो, इमेजिन करो एक सर्कुलर वायर इसमें घूम रही है, उस सर्कुलर वायर के एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे अगर मुझे बी निकालना है, तो मैंने आपको एक्सिस के ऊपर बी निकालना सिखाया था, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स छुपे हुए हैं मालूम नहीं, तो मान लो कितने टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पर जो है एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये एन है, तो इसके अंदर स्मॉल, हमें क्या चाहिए, स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को अगर मैं इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसके अंदर छुपे हुए क्या आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। इस नंबर ऑफ टर्न्स को हम यहां पुट करेंगे थोड़ी देर में, और इसकी ज्योमेट्री यूज करते हुए टेन फाइव, यहां पर टेन ऑफ फाइव की वैल्यू क्या होगी, देखो टेन फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट, ये फाइव है, ये फाइव है, टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय आर, तो यहां से टेन फाइव एक्स बाय आर, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स और डी फाइव की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, ये हम b निकाल चुके हैं, इस b में इस n को ऊपर पुट कर दिया, n इंटू डी एक्स, ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट में x हम निकाल चुके हैं, डी एक्स हम निकाल चुके हैं, x और डी एक्स की वैल्यू को पुट किया, इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये टर्म आ जाती है, और फिर एंड में लिमिट लगी अल्फा से लेके बीटा, लिमिट लगाते ही वैल्यू पुट करते ये आंसर आएगा। आपने डेरिवेशन नहीं करनी, आपने क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला नोट करना है, बस आपने अपने रजिस्टर में फॉर्मूला नोट कर लेना है कि अगर कोई फाइनाइट सोलेनोइड आया, आपको अल्फा गिवन होगा, बीटा गिवन होगा, आप सिंपली बी का फॉर्मूला अल्फा बीटा की फॉर्म में ऐसे निकाल लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी कम रहता है, बहुत ही कम, एक आध क्वेश्चन दिखेगा, नहीं दिखेगा, पर फिर भी अगर आ जाए तो मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब सोचो अगर ये सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो बोलो अल्फा बीटा क्या पुट करें, 1990, ये लो, ये मैंने पुट किया 1990, आपका वही रिजल्ट आ गया जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ ने चार लाइन में कर दिया था। तो समझ में आया यहां तक, ACL की इंपॉर्टेंस समझ में आई, कि एम्पियर सर्किट लॉ ने क्या किया, जैसे हम उसमें लेते थे माइनस अल्फा से माइनस प्लस बीटा, स्ट्रेट वायर में क्या लेते थे, अल्फा से बीटा, सेम है ये, वो वर्टिकल था ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक।
अब सपोज क्वेश्चन ये आ जाए कि मेरे को सॉलिनॉइड के कॉर्नर पे बी निकालना है, देखो कॉर्नर पे, और एक तरफ से सॉलिनॉइड इनफाइनाइट है, तो जहां पे इंफिनिटी है वहां पर एंगल पाई बाई टू, और जहां यहां से स्टार्ट है तो एक एंगल कितना, जीरो, तो एक एंगल जीरो, एक पाई बाई टू आंसर। तो आप ऐसे कई स्पेशल केस निकल के आएंगे कि जहां पर भी देगा तो बाई ज्योमेट्री हम अल्फा बीटा निकालते रहेंगे, अपना आंसर आता रहेगा। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा।